मेरठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ विकास प्राधिकरण से होगी बड़ी कार्रवाई। मेरठ बागपत रोड कैलाश हॉस्पिटल का नक्शा पास ना होने पर होगी बड़ी कार्रवाई। अभी हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल से 7 लाख की कंपाउंडिंग ली गई थी और 13 लाख रुपए की कंपाउंडिंग लेनी है। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर रेजिडेंशियल में नक्शा पास है तो 20 वार्ड लगाकर हॉस्पिटल चलाया जा सकता है, अगर नक्शा पास नहीं है तो रेजिडेंशियल का तो होगी बड़ी कार्रवाई। मैं जल्द ही संज्ञान लेता हूं। वैसे तो कैलाश हॉस्पिटल के नाम में आपके पास सेंसन राम कैलाश हॉस्पिटल अपेक्स पर होगी जल्द बड़ी कार्रवाई। मेरठ से बीके गुप्ता की खास रिपोर्ट। होता है जो रेजिडेंशियल में होते हैं उन्हें 20 बेड तक की परमिशन दी जाती है, उसके ऊपर अगर उनको चाहिएगा तो उन्हें कॉमर्शियल का नक्शा अपना पास कराना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। नहीं, रेजिडेंशियल का भी नक्शा पास नहीं? हाँ, रेजिडेंशियल में 20 बेड तक का नर्सिंग होम चलाया जाता है बिना नक्शा पास करे। नहीं, नक्शा तो रेजिडेंशियल का भी कराना होगा, कमर्शियल का भी कराना, तो उसका तो कैसा भी नक्शा नहीं है तो वो दिखवा लिया जाएगा। वो दिखवा पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है? पार्किंग जो मैटर है वो हमारे नॉर्म्स में नहीं आता है। अच्छा, जो हमारे नॉर्म्स में आएगा वो हम दिखवा लेंगे। आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो वो दिखवा लिया जाएगा। कैलाश हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं? बागपत रोड पर। एक ऐसी एपेक्स नर्सिंग होम है हापुड़ रोड पे, जिसमें आपकी तरफ से नोटिस दिया गया था कि कोई व्यवस्था नहीं है इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के अंदर। हाँ, नोटिस दिया गया था, उन्होंने सुधार करने का वादा किया है। हाँ, अभी तक ऐसी कोई उसमें एक्टिविटीज नहीं है, उसका भी नक्शा पास नहीं। देखिए, अगर एक नॉर्म्स है अभी तक सरकार के, हमें 24 अभी तक सेंक्शन हुई है शहर में, 24 बन चुकी है, अगर और सेंक्शन हो जाएंगे तो और बना देंगे। ठीक, थैंक यू सर। लास्ट सवाल हमारा, मेरठ शहर में छोटे डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, वो भी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मानना है सेफ्टी के साथ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को अच्छे से देख रहे हैं, बट शहर के बड़े माननीय डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं। सर, वो कहते हैं कि प्रेशराइज है, ऊपर से प्रेशराइज है, सीएमओ साहब के आदेश है। कोई प्रेशर नहीं है, सरकार के आदेश हैं क्लियर। सोशल डिस्टेंसिंग से आप ट्राइज एरिया में करके पहले थर्मामीटर से देखें टेम्परेचर, तब उनको अंदर आने दें, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखें, अगर अंदर ला के फिर उनका ओपीडी करें। ओपीडी के आदेश कर रखे सरकार ने। सर, ऑलमोस्ट सीएमओ ऑफिस बीच में कहाँ से आ गया? सर, ऑलमोस्ट हमने डॉक्टर देखे हैं, अभी कुछ लोग मेडिकल स्टोर से ही दवाई दिला दे रहे हैं फोन पे बात करके, ऐसा क्या संभव है? वो टेलीमेडिसिन तो अलाउड है। अलाउड है, थैंक यू। काफ़ी हॉस्पिटल देखे हैं जिनमें बेड होते हुए भी पेशेंट को टेबल पे लिटा देते हैं या वहीं पे उनको सीरिंज वगैरह बोतल वहीं पे दे देते हैं, उनको ट्रीटमेंट उनका टेबल पे होता है। इसमें सर हम लोगों ने कई बार आपसे बात भी कर चुके हैं, कोई स्पेसिफिक बताए हैं सर किसी ने ऐसा टेबल पे करते हुए मिला हो? इसलिए हम आपको वीडियो कवरेज दे देंगे आपको, हम दे दीजिएगा, मैं कार्रवाई करा दूँगा।